दोस्तों जब हम सीहोर शहर पहुंचे तो हमने देखे कि वहां पे और भी बहुत से रहस्य और मंदिर हैं। तो आज हम सीहोर शहर के एक और दूसरे मंदिर आपको लेकर चल रहे हैं, जहां भगवान की महिमा अपरंपार है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, तो आइए जानते हैं इसका इतिहास। जब भी भगवान को परेशानी दुखों में पुकारते हैं, ईश्वर जरूर सुनते हैं। ईश्वर उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम पहुंचे हैं आज मध्य प्रदेश के सीहोर शहर के सिद्धिदात्री अम्बा माँ विजयसेनी मंदिर में। यह मंदिर सीहोर की सेवन नदी के घाट पर स्थापित है। यहाँ माता की प्राचीन मूर्ति विराजित है। यह मंदिर प्राचीन मठ के रूप में विख्यात है। मंदिर के पुजारी यहाँ नित्य पूजा पाठ करते हैं। यहाँ माता की अखंड ज्योत वर्षों से जल रही है। वहीं पास ही शनि देव का मंदिर, जहाँ नवग्रहों में शनि देव विराजित हैं। इसमें सभी नवग्रह प्रतिमा रूप में स्थापित हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ तांबे के कलश से तेल की धारा निरंतर शनि देव की प्रतिमा पर अर्पित होती रहती है। नवग्रह में सबसे ऊपर सूर्य देव है। यहाँ शनिवार के दिन विशेष रूप से भक्तों की भीड़ देखी जाती है। भक्तजन मंदिर के बाहर बैठे निर्धनियों को शनि का दान देते हैं। हेलो व्यूअर्स, अगर रोज रोज आप एक ही तरह के वीडियोस देखकर बोर हो गए हैं, तो अब वीडियोस देखिए एकदम नए अंदाज में ट्रेजर टीवी पर। हर दिन एक नया अंदाज, नया टॉपिक और नया क्लेवर, हफ्ते के सातों दिन। जैसे सप्ताह की शुरुआत में मोटिवेशनल मंडे में देखिए एक मोटिवेशनल वीडियो जो आपको मोटिवेट करेगा पूरे सप्ताह भर के लिए। ट्यूसडे टेम्पल में देखिए भारत के अनजाने प्राचीन दार्शनिक और प्रसिद्ध मंदिर और उनसे जुड़े रहस्य रोचक कथाओं के साथ जो शायद आपको पता भी ना हो। वेडनेसडे वेलनेस होगा आपके स्वास्थ्य में मददगार। वेडनेसडे वेलनेस में हम आपको देंगे जानकारी बेहद घातक और नई बीमारियों के और साथ ही बताएंगे उनसे बचाव के उपाय और कारण। थर्सडे टिप्स में हम आपको बताएंगे आपके डेली लाइफ से जुड़े शानदार और रोचक टिप्स जो आपके काम को बनाएंगे आसान और होंगे मददगार। फ्राइडे फूडी है खाने के शौकीन लोगों के लिए, देखिए एक नई रेसिपी हर सप्ताह और ट्राई करें उसे अपने किचन में। सैटरडे सिनेमा में देखिए टीवी और सिनेमा से जुड़ी गॉसिप्स और साथ ही रिव्यू न्यू रिलीज मूवीज के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे वीक की थकान मिटाइए संडे फंडे के साथ, जिसमें आप पाएंगे भरपूर कॉमेडी और गुदगुदाते जोक्स।
तो बिल्कुल भी मिस ना करें और रोज देखें नए वीडियोस ट्रेजर टीवी पर। अभी सब्सक्राइब कीजिए। वहीं महिला घाट के समीप शिव जी का मंदिर है, जहां शिवलिंग स्थापित है। यहां श्री गणेश और माता की छोटी सी प्रतिमा है। शिव जलाधारी के ठीक सामने हनुमान जी की प्रतिमा विराजित है। शिवरात्रि एवं सावन सोमवार जैसे पर्वों पर यहां भक्तों की काफी भीड़ होती है। और यह है सहस्त्रबाहु अर्जुन का मंदिर। जहां एक ही प्रतिमा में अर्जुन के दो रूप साधारण एवं सहस्त्रबाहु दोनों रूपों को दर्शाया गया है। बाईं ओर श्री साईं प्रतिमा एवं दाईं ओर माता की प्रतिमा भी विराजित है। वहीं नीचे शिवलिंग भी है। पास ही पीपल के वृक्ष के नीचे शनि देव की मूर्ति स्थापित है। वहीं पुरुष घाट पर माता जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। जहां माता की छोटी सी मड़िया है। दोस्तों भगवान और भक्त में बहुत छोटा सा फासला होता है, पर भक्त उसे समझ ही नहीं पाते। वो जब भी भगवान को दुविधा में याद करते हैं, भगवान जरूर उनकी बात सुनते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये होता है कि वो केवल भगवान को दुविधा में ही याद करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए नीचे। तो अगले हफ्ते हम फिर से दर्शन करेंगे एक और नए मंदिर के और सुनेंगे उससे जुड़ी रहस्य कथाएं और इतिहास।